गुड मॉर्निंग, मैं श्री आशीष सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग बजट पर चर्चा करेंगे। कल यानी 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। तो बजट के क्या प्रमुख बातें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होने वाला है, उसका चर्चा करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। यानी कुल प्राप्तियां कितनी होगी, तो 32.07 लाख करोड़ रुपये का होने वाला कुल प्राप्तियां। याद रखिएगा, ये सब परीक्षा के दृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुल प्राप्तियां कितना होगा, है ना। तो 32.07 लाख करोड़ रुपया होगा। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय, देखिए कुल व्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना, 48.21 लाख करोड़ रुपया होने वाला है। ठीक है, तो कुल प्राप्तियां, कुल व्यय बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों डेटा को याद रखिएगा। उसी तरह से शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपया होने वाला है और सकल बाजार उधारी 14.1 लाख करोड़ रुपया होने वाला है। शुद्ध बाजार उधारी का बात करें तो 11.63 यानी 6.3 लाख करोड़ होगा और वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना होने वाला है, 4.9% होने वाला है। ये राजकोषीय घाटा कितना होने वाला है, तो जीडीपी का कितना होने वाला है, 4.9% रहने का अनुमान है। ऐसा 24-25 का बजट में अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे अन्य मुख्य प्रावधानों को, अन्य मुख्य बातों को जानते हैं, देखते हैं क्या है। अगर देखा जाए तो रक्षा में 4,54,773 करोड़ में खर्च किया जाएगा। ये सब जितने भी राशियां हैं वो करोड़ में है। दूसरा, ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपया। ये सब परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देखते रहिएगा, खासकर मेंस आंसर राइटिंग के समय तो और भी ज़्यादा। कृषि एवं संबंधित कार्य कराप के लिए 1,51,851 करोड़ रुपया। वहीं गृह 1,50,983, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 1,25,638 करोड़ रुपया का राशि खर्च किया जाएगा। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के लिए 1,16,342 करोड़ रुपया खर्चे जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो 89,287 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में 68,769, समाज कल्याण में 56,501 करोड़ रुपये और वाणिज्य और उद्योग में 47,559 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे। ये सब डेटा एक जगह समाहित कर लिया गया, इकट्ठा करके गया ताकि ढूंढना न पड़े और परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ये जो बजट आया है इससे किस वर्ग को कितना फायदा हुआ है वो देखना है। तो किसान के लिए क्या क्या मिला है, किसान को क्या क्या फायदा हुआ इस बजट से, तो देखते हैं किसान को क्या क्या फायदा हुआ। तो देखिए, कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं बजट में, यानी कि कृषि पर बहुत ज़्यादा ही इस पर ध्यान दिया गया है। वहीं 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। लैंड रजिस्ट्री पर 6 करोड़ किसानों की जानकारी लाई जाएगी कि कौन कौन किसान है, है ना। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको क्या कहते हैं, केसीसी कहते हैं, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको किसान का मुद्दा क्लियर हो गया। किसान से संबंधित जितना प्रमुख प्रावधान है उसको याद रखिएगा, जब कृषि का मेंस लिखना होगा, कृषि का टॉपिक पर मेंस लिखना होगा, इन सब बातों को उल्लेख कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, महिलाओं को क्या मिला, ये महिलाओं को क्या मिला, महिला का देखते हैं हम लोग। तो महिला बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी वैसी योजनाएं जो महिला और बालिकाओं को लाभ पहुंचाती है
उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृह बनाए जाएंगे। जो महिलाएं काम करती हैं है ना, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ संभालेगी, उनके लिए हॉस्टल और शिशु गृह बनवाए जाएंगे ताकि वहाँ पर अपने बच्चा को रख सके और सुरक्षित रख सके। आगे देखते हैं, युवाओं को क्या लाभ मिला। तो इस बार महिला, युवा और किसान केंद्रित बजट रहा है। ठीक है, युवा को देखिए, युवा क्या लाभ होने वाला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बेरोजगारी चैप्टर और रोजगार वगैरह को ये सब डील करेगा। तो रोजगार व कौशल प्रशिक्षण जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ठीक है, रोजगार व कौशल, रोजगार व कौशल प्रशिक्षण के लिए जितने भी 5 योजनाएं हैं उनके लिए 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जैसे स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया है ना, तो ये सब के लिए 5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान है। जैसा कि पता है कि देश में बेरोजगारी इसलिए है कि बहुत लोगों को स्किल है ही नहीं है। ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पढ़ तो जाते हैं, लेकिन उनके पास स्किल है ही नहीं है, ना ही उनके पास कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। इसके लिए 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा बजट 2024-25 का प्रावधान रहा है। 5000 मासिक मानदेय के साथ 12 माह की पीएम इंटर्नशिप योजना, यानी कि इंटर्नशिप दिया जाएगा। जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो अपने स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उनको 12 माह का इंटर्नशिप दिया जाएगा। इंटर्नशिप कहने का मतलब किसी कंपनी में उनको काम करने का अवसर दिया जाएगा, साथ साथ उन्हें 5000 रुपया महीना भी दिया जाएगा। 5000 रुपया महीना भी काम करने का अवसर भी। इससे क्या होगा, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा ताकि वो आगे और बेहतर कर सके। पहली जॉब ज्वाइन करने वाले के लिए 15000 कि 3 किस्त सीधे ईपीएफओ के अकाउंट में दिया जाएगा। जो पहली बार जॉब में जाएंगे उनके लिए क्या हिसाब किताब है, तो 5000 का 3 किस्त, यानी कि ये 15000 का 3 किस्त, यानी 5000 करके ये ईपीएफओ अकाउंट में डाल दिए जाएंगे ताकि उनका प्रोविडेंट फंड सुरक्षित रह सके। ठीक है, ये युवाओं के लिए हिसाब किताब था इस बार का बजट 2024-25 में। चलिए आगे देखते हैं क्या हिसाब किताब है सर्विस सेक्टर के लिए, क्या है सर्विस सेक्टर में इस बार बजट के लिए क्या प्रावधान है। तो देखिए, निजी क्षेत्रों को सरकारी योजनाओं के जरिए मदद की जाएगी। जितना भी निजी क्षेत्र है उसको सरकारी योजनाओं के तहत मदद की जाएगी ताकि सर्विस सेक्टर और आगे बढ़ सके। नेशनल कंपनी ड्राफ्ट ट्रिब्यूनल के जरिए कंपनी को 3.3 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये सब राशि इंपोर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए कंपनियों को 3.3 लाख करोड़ की राशि दी जाएगी। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, यानी कि किसी कंपनी में, किसी सर्विस सेक्टर के 2 कंपनियों में अगर विवाद हो जाए तो विवाद का निपटारा करने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द विवाद का निपटान हो सके। आगे देखते हैं, रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट मेरा फंसा हुआ है या कुछ इन्वेस्टमेंट किसी सर्विस सेक्टर कंपनी का फंसा हुआ है तो उसका रिकवरी के लिए भी जल्दी से जल्दी ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे ताकि जो कंपनी काम कर रही है उसको फंड का कमी नहीं हो सके, उसका पैसा, उसका पूंजी कहीं फंसा हुआ न रह जाए। शहरों के लिए क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए योजना, शहरों के लिए क्रिएटिव और रीडेवलपमेंट के लिए योजना के लिए भी फंड आवंटित किए जाएंगे। ऐसा सर्विस सेक्टर के लिए किया गया है। ठीक है, इतना सर्विस सेक्टर का क्लियर होगा, इतना पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, यह परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगर देखते हैं पर्यटन के क्षेत्र में क्या बजट में प्रावधान है, तो पर्यटन में क्या, खास बिहार के लिए, बिहार के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गया स्थित विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने का सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो गया स्थित विष्णुपद मंदिर, यहाँ पर पिंडदान होता है पितृपक्ष में, वो वहाँ विष्णुपद मंदिर को और बोध गया के महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाना है, कॉरिडोर बनाना है। जैसे कि बनारस में कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया गया है, वैसे ही महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाना है, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, राजगीर को व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा, राजगीर को निश्चित रूप से व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा। नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, इसकी गौरवपूर्ण महत्ता और अनुरूप पुनरुत्थान किया जाएगा, यानी नालंदा का भी डेवलपमेंट
बजट में दिखाया गया है। ओडिशा को एक श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार के साथ साथ ओडिशा पर्यटन को भी विकसित किया जाएगा। तो बिहार के लिए बहुत ज्यादा ही ध्यान देने वाला बात है कि इतना डेवलपमेंट पर्यटन के क्षेत्र में बिहार के लिए होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। करीब अंतरिम बजट के बराबर है रक्षा बजट, यानी इस बार रक्षा बजट कितना रहा है तो वो समझते हैं कि अंतरिम बजट अभी से 6 महीना पहले पेश किया गया था, तो जितना रक्षा बजट था उसे 400 करोड़ का ही अंतर है। तो देखते हैं कि देश की सेनाओं को खर्च करने के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये बजट से मिले हैं। इस बार बजट से सेना को रक्षा क्षेत्र में खर्च करने के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये बजट मिले हैं। यह रकम 6 महीना पहले पेश हुए अंतरिम बजट से 400 करोड़ रुपये यानी 0.046% ज्यादा है। आपको पता है कि फरवरी में 6 महीना पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था चुनाव के पहले, तो जो भी रक्षा क्षेत्र में दिया गया था अमाउंट उससे मात्र 400 रुपया अधिक है। इस बार जो यूनियन बजट 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया गया उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बार कुल बजट का 12.9% हिस्सा रक्षा बजट का है। रक्षा बजट का कितना है? 12.9% हिस्सा रक्षा बजट का है। पिछले साल यह हिस्सा करीब 13% था। देखिए, 14,717 शब्दों के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बार डिफेंस का जिक्र किया, लेकिन अग्निवीर योजना का नाम नहीं लिया। डिफेंस का तो जिक्र किया है लेकिन अग्निवीर योजना का नाम नहीं लिया है, यानी कि अग्निवीर योजना में कुछ परिवर्तन होने का संभावना है। ठीक है, ये हो गया रक्षा का। रक्षा का तो खैर विशेषकर याद ही रखने का है, रक्षा का विशेषकर याद रखने का है क्योंकि ये भारत का सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसका पॉइंट को हमेशा नजर में रखना है। आगे देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कितना फंड बजट के द्वारा दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं ताकि शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हो सके, उसका सुधार हो सके। देखते हैं, देखिए इस बार क्या हुआ है कि नया टैक्स स्लैब यानी न्यू रिजीम में कुछ परिवर्तन हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि नया टैक्स स्लैब न्यू रिजीम में परिवर्तन हुआ है। देखिए, अब है 0 से 3 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं देना, जिनका कमाई कितना है 0 से 3 लाख रुपये तक है उनको कोई टैक्स नहीं देना है, वो टैक्स फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। वहीं 3 लाख से 7 लाख रुपये तक उनका अगर इनकम है तब उन्हें अपने इनकम का 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 7 लाख से 10 लाख रुपये तक इनकम है तो 10% का टैक्स देना पड़ेगा, और 10 से 12 लाख रुपये तक का इनकम है तब उन्हें 15 लाख रुपये तक का टैक्स चुकाना पड़ेगा। 12 से 15 लाख रुपए तक का 20% और उसी तरह से 15 लाख से ऊपर के लिए 30% टैक्स चुकाया जाएगा। तो टैक्स का रिजीम में परिवर्तन किया गया, न्यू रिजीम मिडिल क्लास को देखकर बनाया गया, इससे मिडिल क्लास को थोड़ा राहत मिलेगा। आगे देखते हैं, बिहार को क्या क्या मिला, खास कर बिहार का एग्जाम के लिए तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो समझिए 1 या 2 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है, यह फिक्स है, 1 या 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। बिहार को क्या क्या मिला है, तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे और वैशाली बोधगया एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर के पास गंगा के ऊपर अतिरिक्त 2 लेन का निर्माण होगा। वहीं बिहार में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा, सब इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गया जिले में इंडस्ट्रियल रीजन बनाया जाएगा, कहाँ इंडस्ट्रियल रीजन बन रहा है, तो गया जिले में इंडस्ट्रियल रीजन बन रहा है। वहीं 21,400 करोड़ रुपए की लागत से पावर प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है, यानी बिहार में पावर प्रोजेक्ट भी बिठाया जाएगा, है ना। फिर 35 में 2400 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा, पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा फिर 35 में 2400 मेगावाट का। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि किस क्षेत्र में पावर प्लांट 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बिठाने का बजट में प्रावधान किया गया है, तो पीरपैंती में। बिहार को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा, अतिरिक्त धन दिया जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए। वहीं मल्टी इन्वेस्टमेंट
बैंक के जरिए बिहार को सहायता दिलाने में तेजी लाई जाएगी। मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कहने का मतलब जैसे कि जो विदेशी बैंक होता है, तो भारत सरकार विदेशी बैंकों से मिलकर, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो जाएगा, उससे मिलकर भारत को, बिहार को वो धन दिलवाने में मदद करेगा। यानी मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक वही होता है, तो भारत सरकार इसके लिए मदद करेगा। बिहार को सड़कों के लिए निर्माण के लिए मिले 26,000 करोड़ रुपये, यानी बिहार अपना सड़कों के निर्माण के लिए बिहार को मिले हैं 26,000 करोड़। इससे बिहार की सड़कें उन्नत होंगी। बिहार को बाढ़ आपदा के लिए 11,500 करोड़ मिले आवंटित किए गए हैं ना, यानी कि आपको पता है कि बिहार हमेशा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र रहा है, बिहार को बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसके लिए 11,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बजट से संबंधित प्रमुख बातों को देख लिया है, समझ लिया है। ये सब पॉइंट को नज़र में रखना है जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे बजट से संबंधित कुछ नए रोचक तथ्यों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।